अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ अपनी YouTube फैमिली को। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश और खुर्रम रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की रहमतों, नेमतों और बरकतों के साथ हमेशा सजे रहे। और जो मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको बहुत वेलकम करती हूँ। और ये जो रेड सा बटन आ रहा है, इसको फ़ौरन से दबा दें ताकि हमारी और आपकी दोस्ती पक्की हो जाए और आप मेरी वीडियो पे जल्दी से आ जाएं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे और कुकिंग की रेसिपीज मिलेंगी। जी देखें, वाइट बैंगन आए हैं। जी किसी ने वाइट बैंगन पकाए हैं अभी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। मैं शुरू में हस्बैंड लेके आए थे मैं समझी, और पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि फसल में अंडे उग रहे हैं। मैंने कहा नासिर इसी को ना, उन्होंने अंडे पर देखा, बिल्कुल अंडे की शेप लग रही है। अगर यहाँ से अगर यूँ कवर कर दिया जाए, ऐसे लगता है जैसे अंडा पड़ा हुआ है। लग रहा है ना अंडा? तो ये देखें जी, अल्लाह की शान, कुदरत, रंग रंग की चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फ्रूट हमें मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज वाइट बैंगन बनाते हैं। पहले ब्राउन वो पर्पल से होते थे तो मैं उनका छिलका उतार देती थी क्योंकि बच्चे खाते नहीं थे, लेकिन आज मैं छिलका नहीं उतारती, ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि ये वाइट ही है ना। जी आप कहाँ गई थी, आ गई? चलो जी हम बनाते हैं बैंगन, काटते हैं, फिर मैं आपको कैसे बनाती हूँ फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो ये फ्रेंड्स हमारे बैंगन कट रहे हैं, मम्मा स्पीडी जल्दी जल्दी करनी है। खैर मैं एक बैंगन खा के देखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइड अप कटने वाली है। यक्स, वैसे अच्छा है बैंगन, अच्छा है। आपसे तो पूरी निकल जाती है, वैसे थोड़ा खट्टे नमक को ज्यादा डाल दिया तो नमक ये घर में बच्चे जब स्कूल नहीं ना जाते तो ये फिर इन कामों की तरफ इनका ध्यान रुझान इनका रुझान इन कामों की तरफ ना से आपने इतनी बड़ी होगी तो आपको आता ही खाने को पता आप ही को बस होता था आप पुराने जमाने में तो ना मेरे को कांस करके आई हो मैंने खुद से किया खुद से तो किया कहाँ से किया आपके पाउच में से क्या क्या लगाया आपसे तो पूरी निकल जाती है वैसे थोड़ा खट्टे नमक को ज्यादा डाल दिया तो नमक ये घर में बच्चे जब स्कूल नहीं ना जाते तो ये फिर इन कामों की तरफ इनका ध्यान रुझान इनका रुझान इन कामों की तरफ ना से आपने इतनी बड़ी होगी तो आपको आता ही खाने को आप ही को बस होता था पुराने जमाने